बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी एक सफ़र, लोग आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी खूबसूरत यादें और ना मिटने वाले नकूज छोड़ जाते हैं कि जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक शख्सियत ज़िला मणि भाउद्दीन के सबका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलक ज़नफ़र अली अवान की है, जो कि अपनी खुदादाद सलाहियतों और काबिलियतों के बलबूते पर ग्रेड 19 में तरक्की हासिल करने के बाद इन दिनों प्रमोशन के लिए तरबीती कोर्स पर हैं। उन्होंने बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मणि भाउद्दीन तैनाती में अवाम की खिदमत को हमेशा अवलीन तरजीहात में शामिल रखा। किसानों की ज़रूरी ज़रूरियात की बात करें तो ज़रूरी आलात की तौरंदाजी हो या टिड्डी दिल की बीमारी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हों या तहफ़्ज़े नामूस रसालत रैली, यकजहती कश्मीर रैली हो या क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम, कुदरती आफात जैसे सैलाब के खतरात मंडलाते नज़र आ रहे हों या कोई अचानक सानहा, डेंगी वायरस की वबा हो या कोरोना वायरस जैसी मोहलक और जानलेवा आफत, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अगली सफ़ों में मैदान अमल में रहे। वो एक अच्छे फर्शनास मिलनसार अफ़ीसर दफ्तरी अमूर में सूबाई हुकूमत नीज़ डिप्टी कमिश्नर मणि भाउद्दीन की हर मुश्किल असाइनमेंट और मुहिम को बतरीके एहसन हल करते रहे हैं, जिसके सायरीन से लेकर ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, अपने दफ्तरी मातहत अमले, डीसी ऑफिस के मुलाजमीन, सहाफ़ी बरदरी आज भी मौतरफ हैं। मलक ज़नफ़र अवान ने हुकूमत की तरफ से रेवेन्यू वसूलियों के हदफ को न सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि अवामनास की बेहतरी के लिए तमाम अखताफ का हसूल भी मुमकिन बनाया और अवाम के साथ भी तावन किया। इन्हीं खिदमात के पेश नज़र खराज तहसीन पेश करते हुए मारूफ इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इस्लामाबाद की तरफ से फर्शनास आफ़ीसर के तौर पर 2019 में बेस्ट आफ़ीसर 2019 के एवॉर्ड के हकदार करार पाए। याद रहे, ये लिस्ट हर साल दिसंबर में तैयार करके मुख्तलिफ वज़ारतों को भेजी जाती है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ रिपोर्ट अनायतुल अंजम क्लेयर मणि भाउद्दीन।